फैसलाबाद, मैं मोहम्मद शकील आपका दोस्त, आपका भाई, एकदम शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। आज का हमारा एपिसोड है, जैसा कि ईद उल अज़हा गुजरी है तो गोश्त खा खा के हम लोग फुल ऑफ फ्लज हो चुके हैं, तो थोड़ा सा स्वीट खाने को दिल चाह रहा था। तो किसी दोस्त ने बताया कि यहाँ पे ना स्वीट क्रीम वाले हैं, तो इनके पास ब्राउनी एक्सप्लोजन जो है ना वो कमाल की है, तो चेक करने आए हैं कि वाकई उसका लेवल है, और अगर ब्राउनी एक्सप्लोजन का लेवल हुआ तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो में साथ जुड़े रहिए, तो चलते हैं, चेक करते हैं कि वाकई इनका मियार और लेवल है, तो चलें फिर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे पास ना ब्राउनी एक्सप्लोजन पहुँच चुकी है स्क्रीन, तो इसका ज़रा लेवल चेक करें। इसके ऊपर उन्होंने बिस्किट शिस्किट डाले हुए हैं, तो नॉर्मल ही है चीज़, दूसरे में कोई उतनी खास नहीं है। ये देखें ज़रा, बस ठीक ही है यार, ठीक है, इतनी तो खास नहीं है, बस ऐसे ही इन्होंने हवा बनाया हुआ है। सीधी सीधी आइसक्रीम है, उसके ऊपर उन्होंने ओरियो शोरियो डाला हुआ है, और साथ में उन्होंने जो चॉकलेट है वो थोड़ी दुबल डाली हुई है, बस यही चीज़ है। तो बाकी ये है कि मुझे तो सादा सादा आइसक्रीम लग रही है, थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा है चॉकलेट का, और वो ओरियो शोरियो बिस्किट का, वो तो आप लोग घर में भी डाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने जी ब्राउनी एक्सप्लोजन के नाम से इसको बनाया हुआ है, पता नहीं क्या बात। तो मजीद खाते हैं, अब आए हैं तो चेक तो करेंगे ही, खाएंगे भी। है ठीक है, लेकिन इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं अच्छी, पर नॉर्मल है। ये आप लोग जब सामने वो मेन रोड आ जाता है जिनाह कॉलोनी वाला, जब उस रोड पे आएंगे तो उससे आपने आइडियल स्वीट से ना आपने लेफ्ट को हो जाना है, तो लेफ्ट को जब अंदर आएंगे तो ये सामने ब्राउनी स्वीट वाले जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्राउनी एक्सप्लोजन खा ली है, ब्राउनी एक्सप्लोजन का कोई लेवल कोई इतना खास नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जिस बंदे ने हमें बताया उसने बड़ी बढ़ा चढ़ा के बताई थी कि पता नहीं क्या आइटम है यार, आप आइसक्रीम वो खा के देखें, ये है वो है, तो हम पहुंच गए हैं, चेक की है, लेकिन आप लोग अगर आइसक्रीम लवर हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं, है नॉर्मल, मतलब इतना कोई अप लेवल नहीं है इसका, बस ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि भाई की ये कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और भाई को दुआओं में याद रखिएगा। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।